आप 500 का डाल दो सर। बागा रिवर है गाइस, पहुंच गया हूं बागा बीच। कैंडल लाइट में डिनर कर सकते। बारिश हो रही है और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। नहीं होता आज डे फोर खत्म। इस 500 का भरवाऊंगा पेट्रोल सिर्फ आज। आप 500 का डाल दो सर। सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर हैं हम लोग और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है बागा रिवर है। बागा बीच किधर है? बागा बीच पर गाड़ी का लगाऊं पीछे लूं? नहीं, मुझे बागा बीच देखना था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं मुझे बताओ वहां से रास्ता कैसे जाने का बताओ। बागा बीच, बागा बीच वो कह रहे हैं आगे स्ट्रेट सीधा बस बागे बीच में अंदर लगाओ गाड़ी। कहाँ पे? अंदर लगाओ, अंदर गेट के बाहर। गाइस पहुंच गया हूँ बागा बीच और फॉर्च्यूनर के साथ लगी हुई अपनी स्विफ्ट, रेंट वाली स्विफ्ट। और यहाँ पूछते हैं इनसे कि कैसे अंदर जाएंगे। आइए पूछते हैं। बागा बीच में जाना, अंदर एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से एंट्री। अच्छा ये है। ओ सो गाइस यहाँ बागा बीच में आ गया हूँ लेकिन अंधेरा बहुत है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। शायद आपको लहरों की आवाज़ आ रही हो पर मज़ा तो नहीं आ रहा। और वो क्या है? अच्छा तो बागा बीच में ये कुछ नाइट क्लब टाइप कुछ लग रहा है मुझे। अगर मुझे मौका मिलेगा ना गाइस तो मैं कल सुबह आऊँगा, कल सुबह नहीं तो दोपहर को। यहाँ से रेस्टोरेंट शुरू हो जाते हैं और ये आपका कैंडल लाइट का वो था कि अगर आप डिनर करना चाहो तो आप कैंडल लाइट में डिनर कर सकते हो। और ऐसे है तो अब आगे चलते हैं, आगे का देखते क्या नज़ारा है। यहाँ तक का तो आपको मैंने दिखा दिया है, बाकी चलते हैं आगे। गाइस यहाँ लाइन से आप देख सकते हो ये सब कैंडल डिनर एरिया। ड्रोन में गाड़ी में लाया नहीं, ड्रोन का क्या ही शूट करेंगे अंधेरे में। Hey.
अच्छा जी, कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाएगा? आप क्या करना चाहते हो? बाप रे, तेरे पंजिल तक जाएगा। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। टीटोर लाइन में थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो ना। देख बेटा साहब, मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। बागा बीच टीटोर लाइन डोरेना टैटू। आपको जो भी टैटू वगैरह बनाना है, टेम्पररी परमानेंट बना सकते हैं भाई। जो आपका पास डिज़ाइन रहेगा तो वो भी डिज़ाइन बना देगा। गूगल में जो डिज़ाइन सिलेक्ट कर भी जो बताएगा तो भी बना के देगा। आप आ जाओ इधर भागा बीच कलंगोट, भागा कलंग। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे एक बात बताओ, उनको आप यहीं खड़े हो, मेरे को आप बात बताओ, अगर कोई बंदा दिल्ली से है या फिर इंडिया में कहीं से भी आ रहा है, वो आपके पास अप्रोच कैसे करे गोवा आने के बाद, वो आप बताइए। गोवा आने का बाद में घूमने का बागा बीच, बहुत सारा बीच है गोवा में, टेम्पल्स वगैरह सब कुछ है घूमने के लिए। गोवा में बहुत बढ़िया प्लेस है, आप घूम सकते हैं कि बीच पे, यहाँ पे पार्टी वगैरह सब अच्छा होता है गोवा में, टैटू वगैरह सब कुछ, जो ड्रेसिंग का सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आपको किसी को भी गोवा में आने आए तो टैटू बना के जाओ तुम लोग, ठीक है? आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम अनिल है। अनिल भाई, हाँ। ये जो ये है आपका फिश फूड स्पा, हाँ। ये हमें करवा दो थोड़ा। इसमें क्या भाई, कर लो और वीडियो भी बना लो, आइए में डालो, ठीक है? आइए पहले देखते हैं गाइस, अगर मेरे को सही लगेगा तो करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। आइए नहीं उतरना पड़ेगा शूज, हाँ निकालना पड़ेगा। चलो बैठो, ये काट ना खाई मेरे को, माँ बाप का इकलौता हूँ मैं, ध्यान रखना भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गाइस करवाने जा रहा हूँ, हाँ 300 रुपये करवा के देखते हैं कैसा लगता है। कैसा महसूस होता है आपका, शेयर करूँगा। पेमेंट पहले करनी है, बाद में कर लो, बाद में हो रहा है ना? हाँ सही है ना, मसाले हो रहे हैं, अंदर डालो ना भाई, अंदर डालने। हाँ डर लग रहा है, बैठो रे भाई, उस साइड में आ जाओ। हाँ बैठ जाओ उस साइड में, एंड भाई सांडी है भाई, तुम थोड़ा आगे सर, ये करने का, इधर ही बैठेगा तो सांड कैसा होता है ए भाई, ऐसा नहीं होता है। पहला बेटा
तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लगना चाहिए कि डर अरे भाई तू दिख रहा नहीं बोल रहा हूँ कैसा हीरो बनेगा तू। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। फिश मसाज करना चाहिए, लेकिन वो जैसे आके चिपक रहे थे ना तो गुदगुदी सी हो रही थी। अजीब सा लग रहा था, तो वो मैं आ रहा था कि नहीं आ रहा था, डर लग रहा था कि मजा नहीं आ रहा था। अरे वो गुदगुदी सी हो रही थी यार, गुदगुदी हो रहा है तो मजा तो आता है ना, लेकिन आपको कैसा डर लगेगा? मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं तभी मैंने पूरा पैर घुसाया ही नहीं, तेरे नीचे का जो एडी होती ना एडी टच करी थी बस। मैं वापस आ गया भाई, मेरे बस की नहीं है। भाई जैसा आपका नाम? आकाश। आकाश भाई, आकाश भाई आप यहीं काम करते? भाई मेरी तो हालत खराब हो गई थी। थैंक गॉड 200-500 रुपये दे के जाए। चलो गाइस चलते हैं गाड़ी के पास, अब निकलते हैं रिजॉर्ट, बहुत घूम लिया, थक गए हम। गाइस बारिश हो रही है, बूंदाबांदी मतलब थोड़ी मीडियम, तेज़ हो रही, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। तो मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा हूँ, भागा ब्रिज से, भागना मतलब ब्रिज वॉकिंग कर रहा हूँ ताकि गाड़ी में जल्दी से बैठूँ, क्योंकि बारिश बहुत मतलब तेज़, बहुत तेज़ बारिश एनी हाउ हो सकती है, तो इस वजह से चलते हैं गाइस चलते हैं। जैसे बारिश तेज़ हो गई है और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जैसे बारिश थोड़ी कम होगी तब मैं अपनी कार की तरफ जाऊँगा एंड देन टुवर्ड्स होटल या रिजॉर्ट। बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है, मुझे यहाँ पे आना पड़ा, जो आखिर जगह थी यहाँ पे हट टाइप था बार बार हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, एक बार थोड़ी बारिश कम हो जाए देन आई हेड टुवर्ड्स माय कार। सो गाइस पहुँच गया हूँ मैं होटल रिजॉर्ट और रिसेप्शन चल रहा है। भैया तुम्हारा नाम क्या है? अनिल कुमार सिंह। हैं? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह, तो कैसे बढ़ियो? हाँ ठीक। तुम्हें तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रात की शिफ्ट है तुम्हारी? नहीं, हमारा एक्चुअली उसका तबीयत खराब थी इस वजह से उसकी जगह पे हम रहे हैं। अच्छा चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं। ओके गाइस रूम में चलते हैं फिर साइन ऑफ करते हैं। यहीं होता है आज डे 4 ख़त्म और कल सुबह होगी डे 5 होगा। तो आज का दिन ठीक था, आज दो जगह देखी, तो तीन जगह देखे हैं, जगहें अच्छी थी आज जो देखी थी, ओवरऑल अच्छा मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा, आप भी को भी मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के। तो बस यही है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं हम तजीज़ करता हूँ, अभी साइन ऑफ, मिलता हूँ आपसे कल 5वें दिन में, और बस अपने पास ये 2 दिन है, 5वां और 6वां। 5वां दिन तो पूरा अपने पास है ही, और 6 दिन 6वें दिन को जो है 6th जो डे होगा यानी कि परसों, उस दिन जो है पूरी पैकिंग वैकिंग मतलब जो है मतलब उससे फिर मतलब कल की शाम को ही पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 6th 4 तारीख को अपना चेकआउट है, तो सब चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करनी होंगी और सही तरीके से पैकिंग करनी होगी, क्योंकि घर से अब हम दिल्ली जाएंगे परसों की दोपहर को आएगा चेकआउट है, देन और वी विल हेड टुवर्ड्स दिल्ली, गो टू एयरपोर्ट एंड देन दिल्ली। स्टे ट्यून्ड गाइस।